वृंदा, आज का वीडियो रिलीज करते वक्त हमें बहुत खुशी हो रही है कि मेडिकल एडमिशन को लेकर इकरा एजुकेशन सोसाइटी और डॉक्टर तारा साहब के जनों में उतरे थी कि हम अपने इलाके के तर्जा को इस जुम्मन में रहनुमाई करें। इसकी जरूरत भी इस बात से महसूस हो रही थी कि तलबा साहबा कैफे से और दिगर जराए से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और ये जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं इसमें कुछ जगहों पर कुछ ऐसी खामियां गलतियां हो जा रही हैं जाने अनजाने में या इन्फॉर्मेशन के ना होने से जो बच्चों के एडमिशन के कैंसिलेशन तक का सबब बनती जा रही है। तो हमारे जहन में ये बात थी कि हम अपने इलाके के बच्चों की रहनुमाई करें और मेडिकल एडमिशन में वो कामयाब तरीके से एडमिशन ले पाए इस बात की कोशिश की जाए। लिहाजा इकरा एजुकेशन सोसाइटी का ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन सेंटर कायम है, उसी के जरिए हम नीट 2022 की एडमिशन काउंसलिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो तलबा एस्पिरेंट्स इससे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, जिनको एडमिशन लेने में दुश्वारियां है, कुछ कंसेप्ट समझने में दुश्वारियां है, दिक्कतें हैं, इसलिए कि हर साल तकरीबन नीट के फॉर्म भरने का पैटर्न ये बदलता जा रहा है और पिछले साल के मुकाबले आने वाले साल में कुछ तब्दीलियां एडिशन डिलीशन हो रहे हैं, लिहाजा कंफ्यूजन का सबब बन रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम बच्चों को उन तमाम कंफ्यूजन से उनके शकूक को दूर करके उनकी रहनुमाई करें, उनकी हेल्प करें। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे पास एडमिशन प्रोसेस को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मालूमात चाहिए उतनी अवेलेबल है। एडमिशन प्रोसेस के बाद में भी जब आपके राउंड्स चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें भी हम आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है, जो कुछ भी आप इसमें जानना चाहते हैं कॉलेजेस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो इंशाअल्लाह ताला हम वो मालूमात भी आप तक मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपने देखा ही है कि नीट एस्पिरेंट 2022 इस नाम से ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार है, ताद हमें गुफ्तगु 157 एस्पिरेंट्स इससे जुड़े हैं। इंशाअल्लाह ताला बच्चों की तादाद और बढ़ेगी। जो भी हमारे जलगांव जिले तक का हम अपनी इस रहनुमाई को इस वक्त महदूद कर रहे हैं, जो भी हमारे जिले के बच्चों को जरूरत पड़ेगी इस जुम्मन में हम इंशाअल्लाह ताला उनके लिए रहनुमाई करेंगे। इस वक्त साथ ही में डॉक्टर अब्दुल करीम सारा साहब भी तशरीफ फरमा है। मैं चाहूंगा कि सर आपके जहन में काफी दिनों से ये बात गर्दिश कर रही थी कि बच्चों के लिए हम कोई ऐसे इकदाम करें जिनकी वजह से बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो। बहुत अच्छे मार्क्स लेने के बावजूद भी बच्चों को बहुत अच्छी कॉलेजेस का ना मिलना या उनके एडमिशन कैंसिल होने तक की नौबत का आ जाना, ये जो आपके जहनों में फिक्र थी, इंशाल्लाह ताला वो इस कोशिश के लिए दूर होगी। मैं चाहता हूं कि आप हमारी रहनुमाई करें। डॉक्टर अब्दुल करीम खाला साहब, अभी अभी आपके सामने हमारे इकरा इन्फॉर्मेशन सेंटर के तहत मेडिकल एडमिशन की काउंसिलिंग के हमारे काउंसिलर प्रमुख डॉक्टर हारून बशीर साहब ने आपके सामने बड़े वादे अंदाज से पूरी मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इकरा इन्फॉर्मेशन सेंटर नेहरून में सीनियर कॉलेज के हॉल में चलता है, रूम में चलता है, जहां पर आपको स्कॉलरशिप से एडमिशन से लेकर तो गवर्नमेंट अनुदान, गवर्नमेंट की जो जो स्कीमें हैं, चाहे फिर वो अदारों के लिए हो, गांव के लिए डेवलपमेंट के लिए हो, वक्त की परमिशन के लिए हो, चैरिटी की परमिशन के लिए हो, मुख्तलिफ योजनाएं हैं, कर्जाजात हैं वगैरह वगैरह, तमाम चीजों की इन्फॉर्मेशन के लिए यहां पर जो हमने सेंटर कायम किया है, लोग उससे इस पर कर रहे हैं।
अभी अभी सर ने आपके सामने जो तफसील बयान की है उसका मकसद यही है, क्योंकि खुद उनके घर के 3 बच्चों का उन्होंने जो एडमिशन कराया है एक बड़ा तजुर्बा उनके पास है, और महाराष्ट्र और दिल्ली के कई बच्चों को काउंसिलिंग करके उनको बहुत अच्छे तरीके से उनका उन्होंने प्लेसमेंट भी किया है, कितने मार्क्स में बच्चों का गवर्नमेंट में हो सकता है, कौन सी कॉलेज में हो सकता है, ये सारी चीजें उनकी नजर में रहती है और पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं। यहां पर हमने ये भी देखा कि जब बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो हमारे यूनानी मेडिकल कॉलेज में आ रहे हैं तो फॉर्म भी सही भरे हुए नहीं, अब एडमिशन में नाम आ गया, मौका पर उन्होंने नाम आ गया लेकिन गलतियां कर रखी, फॉर्म बराबर भरा नहीं, ऐन वक्त बच्चों को तकलीफों को दुश्वारी हो रही, उसमें ईबीसी भरना के WEE भरना के क्या भरना, लीगल सेक्शन का भरना, ये भी बच्चों के जहन में जो है तो पूरी बातें क्लियर नहीं है, बच्चे कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। मुस्लिम बच्चों को कोई आरक्षण नहीं है, मुस्लिम बच्चों को और कौमों के मुकाबले में मेरिट में लाना एक बहुत बड़ा टास्क है। हमारे इस काउंसिलिंग सेंटर से अगर बच्चों की सही रहनुमाई होती है तो इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हमारे तलबा के मेडिकल कॉलेज के अंदर हो सकते हैं। हमने अभी शुरू में इसको जलगांव डिस्ट्रिक्ट तक महदूद रखा है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरी कामयाबी से चलने के बाद इंशाल्लाह आइंदा में हम दीगर जिला भी इसमें शामिल करेंगे और उनकी भी रहनुमाई करने का बाकायदा लागू करेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारी सोसाइटी ने, हमारे साथियों ने और तमाम हमारे जितने भी इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, जिस नेक मकसद के तहत फ्री ऑफ चार्ज अपनी खिदमत देने का जो काम शुरू किया है, अल्लाह उसको कबूल करे, हमारी कोताहियों को दरगुजर करे और हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह। बस मेरी स्टूडेंट से यही गुजारिश रहेगी कि वो व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल सिर्फ नीट एडमिशन और एडमिशन प्रोसेस के लिए करें, दीगर इररिलेवेंट मैसेजेस, गैर जरूरी मैसेजेस से अपने आप को रोके ताकि ग्रुप पर आपको सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त में मिल सके। दुआओं की दरखास्त आप तमाम से कि ये काम हम बफजल ताला कामयाबी के साथ कर पाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।